54 लाख में बिके दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के टिकट और दोस्तों अमेरिका के टूर से 234 करोड़ रुपए कमाए। जी दोस्तों बता दूं कि कुछ वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 54 लाख की बिकी दिलजीत दोसांझ की कॉन्सर्ट की टिकट। तो दोस्तों जानेंगे पूरी बात, आखिर है क्या 54 लाख की टिकट का राज। बता दूं कि इन दिनों दिलजीत अपने दिल लुमिनाटी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। जी दोस्तों बता दूं कि दिलजीत के चाहने वाले बहुत हैं, उनके फैंस बहुत हैं और उनकी आवाज और उनकी एक्टिंग को लेकर लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनके गाने सुनने के लिए फैंस कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। जी दोस्तों बता दूं कि पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है दोस्तों और उनके गाने देश में ही नहीं विदेशों में भी फेमस है जिन्हें लोग काफी पसंद करते हैं। जी दोस्तों बता दूं कि इन दिनों दिलजीत दोसांझ अपने दिल इल्यूमिनाटी को लेकर चर्चा में है। बता दूं कि लॉस एंजलिस, वॉशिंगटन, डलास, शिकागो के बाद अब भारत में शो करने के लिए तैयार है दोस्तों। और दोस्तों बता दूं कि इनका शो का क्रेज काफी है, लोग उनके दीवाने हैं और इसी को लेकर जो 54 लाख की टिकट बिकी दिलजीत दोसांझ की कॉन्सर्ट की। जी दोस्तों बता दूं कि 15 मिनट में बिकी 1 लाख टिकटें। तो दोस्तों क्या है पूरा मामला, क्या इतनी महंगी होती है टिकटें? बता दूं कि 15 मिनट में बिकी 1 लाख टिकटें दोस्तों। जी दोस्तों 10 सितंबर को शुरू हुई प्री सेल के दौरान दिलजीत दोसांझ के होने वाले कॉन्सर्ट के लिए 1 लाख से ज्यादा टिकटें सिर्फ 15 मिनट में बिक गई और दोस्तों ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जी दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान दिलजीत दोसांझ की मैनेजर सोनाली सिंह ने बताया कि सिंगर दिलजीत दोसांझ ने दिल इल्यूमिनाटी टूर के दौरान अपने US शो से 234 करोड़ रुपए कमाए। जी दोस्तों सोनाली ने यह भी बताया कि लोग कम दामों में टिकट खरीदकर उन्हें ऊंचे दामों में बेच देते हैं। जी दोस्तों दिलजीत दोसांझ की मैनेजर सोनाली ने बताया कि कुछ लोग तो रीसेल में 54 लाख 46 लाख की टिकटें खरीदी है और इन टिकटों की कीमत ऑफिशियल इतनी नहीं होती है। जी दोस्तों ये रीसेल में खरीदी हुई टिकटें हैं, जैसे सपोज मैंने बुकिंग के दौरान 10 टिकटें खरीद ली और उसके बाद मैंने उसे रीसेल कर दिया अपने दामों में। तो दोस्तों आजकल जो आप खबर सुन रहे हैं 54 लाख की टिकट बिकी वो यही है कि वो रीसेल वैल्यू है क्योंकि इन टिकटों की कीमत ऑफिशियल इतनी नहीं होती। जी दोस्तों यही बात दिलजीत दोसांझ की मैनेजर सोनाली ने कहा कि इन टिकटों की कीमत इतनी ऑफिशियल नहीं थी। जी दोस्तों आगे सोनाली कहती है कि लेकिन यहाँ पर एक अलग ही चलन है कि लोग पहले टिकट खरीद लेते हैं फिर टिकट को किसी और को बेचते हैं। वहीं अब अबू धाबी में दिलजीत के फैंस उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अबू धाबी में उनकी लगभग 30,000 टिकटें बिकी हैं और दोस्तों दिलजीत के मैनेजर का कहना है ये किसी भी भारतीय कलाकार द्वारा बेची गई टिकटों की सबसे अधिक संख्या है। जी दोस्तों बता दूं कि दिल इल्यूमिनाटी कॉन्सर्ट को भारत के 10 शहरों में टूर का आयोजन किया गया है, मतलब दोस्तों 10 शहरों में दिलजीत दोसांझ अपना कॉन्सर्ट करेंगे, अपना शो करेंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जैसे IPL में होता है कि पहले टिकटें खरीदकर फिर बाद में महंगी बेच दी जाती हैं, तो वही चीज यहाँ भी है। इसीलिए दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट की टिकट 54 लाख 46 लाख ऐसे भी की क्योंकि दोस्तों वो टिकट रीसेल हो रही है, पहले एक ने खरीद ली फिर उस टिकट को बेच दी जाती है ताकि मुनाफा हो, प्रॉफिट हो। तो दोस्तों ये इल्यूमिनाटी वर्ड आप बहुत सुन रहे होंगे, क्या आपको पता है इल्यूमिनाटी है क्या? नहीं पता तो दोस्तों मेरी अगली वीडियो इसी पर है। तो दोस्तों आपका फेवरेट सिंगर कौन है अपनी राय कमेंट में बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर लें। जय हिंद जय भारत और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें।